मराठा नेता मनोज जरांगे ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मनोज जरांगे के नाम से आप बहुत ज्यादा भले ही वाकिफ ना हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये जाना पहचाना नाम है। जरांगे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का सबसे बड़ा चेहरा है और अब वो राजनीति के अखाड़े में हाथ आजमाने जा रहे हैं। अपने गांव अंतरवाली सराटी में पिछले दो दिनों से चल रही सकल मराठा समाज की बैठक को संबोधित करते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कर दिया कि जिस सीट पर मराठा उम्मीदवार के जीतने की गारंटी है वहीं चुनाव लड़ेंगे। जरांगे ने एससी एसटी के लिए रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ रहे समान विचार वाले उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ जिन सीटों पर मराठा समाज का उम्मीदवार नहीं होगा वहां उस उम्मीदवार को मराठा समाज अपना समर्थन देगा जो मराठा आरक्षण का समर्थक हो। महाराष्ट्र की कुल आबादी में करीब 33% मराठा हैं। जरांगे का चुनावी दाव कितना असरदार होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात साफ है, महाराष्ट्र के सियासी दंगल में नए खिलाड़ी की एंट्री से खेल दिलचस्प हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अफसरों के आगे हाथ जोड़ लिए हैं। आरजेडी अब उन्हें आड़े हाथों ले रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के बापू सभागार में दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। मंच पर नीतीश के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी मौजूद थे। नीतीश मंच से कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कर रहे थे और उस दौरान वहां मौजूद बिहार के गृह सचिव और डीजीपी के सामने नीतीश हाथ जोड़ते दिखाई दिए। पहले भी नीतीश कई मौकों पर मंच से अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने पैर पकड़ने की बात करते नजर आ चुके हैं। नीतीश के इस तरह के वीडियो को हथियार बनाकर विपक्ष सियासत भी जमकर करता रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।